हेलो, वेलकम टू निक्स वी टीवी। आज इस वीडियो में आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आज़ादी से जुड़े इन पांच सवालों का जवाब क्या आप जानते हैं? परेशान मत होइए, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो मैं हूँ ना, मैं आपको इसका जवाब भी इसी वीडियो में दूंगी। तो जानते हैं ऐसे कौन से वो पांच सवाल हैं जो कि हमारी इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी से जुड़े हुए हैं और क्या हैं उनके सही जवाब। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो ये कि क्या आप जानते हैं कि भारत का अपना राष्ट्रगान आज़ादी के समय पर था या नहीं था? तो इसका आंसर है नहीं। हमारी आज़ादी के टाइम पर जो जन गण मन है, हमारा राष्ट्रगान, वो नहीं बना था। मतलब लिख तो दिया गया था, 1911 में ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस गाने को लिख दिया था, मगर ये 1950 में जा कर के हमारे भारत का अपना राष्ट्रगान बना था। आई होप आपको ये जवाब समझ में आ गया होगा कि भले ही सॉन्ग पहले बन गया हो, लेकिन राष्ट्रगान ये हमारे देश का 1950 में बना था। तो चलिए इसी तरीके से जानते हैं आज़ादी से जुड़ा एक और सवाल। क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी जी कहाँ पर थे? तो उसका आंसर ये है कि वो दिल्ली में नहीं थे। महात्मा गांधी जो हमारे थे, वो दिल्ली से कई किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आज़ादी से जुड़े एक और सवाल के पास, जो कि है कि क्या आप जानते हैं नेहरू का भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी गांधी जी ने सुना था? तो इसका आंसर भी है नहीं, क्योंकि ये भाषण जो था वो 14 अगस्त को मध्य रात्रि में दिया गया था और उस समय तक महात्मा गांधी जी सो चुके थे। मतलब ये कि जब ये भाषण दिया गया था उस दिन महात्मा गांधी बहुत पहले ही सो गए थे, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 9 बजे के आसपास ही, तो वो ये भाषण नहीं सुन पाए थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन वो ये कि क्या आप जानते हैं कि नेहरू पटेल जी के पत्र का गांधी जी ने क्या जवाब दिया था? तो उन्होंने कहा था कि जब कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे में मैं भला जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ? अब जानते हैं हमारी आज़ादी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, यानी कि एक और प्रश्न कि क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा फहराया गया था या नहीं? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि लाल किले पर पहली बार तिरंगा जो है वो 15 अगस्त 1947 को नहीं, 16 अगस्त 1947 को सुबह सुबह नेहरू जी ने फहराया था। तो जनरली सभी लोग यही जानते हैं कि 15 अगस्त को शायद फहराया गया था, पर ऐसा नहीं है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि 16 अगस्त 1947 को सुबह सुबह नेहरू जी ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज, हमारे तिरंगे को लाल किला पर फहराया था। है ना, ये सारी कुछ रोचक जानकारियाँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वी टीवी।